जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सबौर और नौगछिया प्रखंड में अंचल पहुंचकर किया निरीक्षण, मिली कई गड़बड़ी। दो ब्लॉक और दो अंचल में कैश बुक अपडेट नहीं पाने पर डीएम ने सभी को फटकार लगाई है। डीएम ने व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। दाखिल खारिज में 256 मामले पेंडिंग में सीओ संतोष जनक जवाब नहीं दे सके तो सभी राजस्व कर्मियों से शुकाउस और पेंडिंग मामलों के निपटारे विकृति होने तक सीओ का जनवरी तक वेतन रोकने को कहा। वहीं सीओ समेत दोषी कर्मियों पर दंड का निर्देश भी दिया। बता दें कि लापरवाही देखे जाने पर जिलाधिकारी ने कई कार्रवाई की है। सबौर सीओ को शॉक और जनवरी तक वेतन रुका। सबौर वीडियो हेडक्वार्टर राजीव को भी शोक आउट। नौगछिया अंचल के डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक दिन का मानदेय स्थगित कर दिया। साथ ही साथ नौगछिया सीओ और नाजीर से स्पष्टीकरण। नौगछिया प्रखंड कार्यालय के हेड क्लर्क और राजीव को शोकॉच प्रखंड नाजीर का जनवरी तक वेतन स्थगित कर दिया गया है। हाँ, हम लोगों ने दो प्रखंडों का निरीक्षण किया जो अचक सबौर का और नौगछिया का, और मुख्यतः जो अंचल के कार्य थे, जो डाटा आधुनिक अभिलेखागार डाटा सेंटर बना है उसमें बहुत सारी सामग्री दी गई है, कंप्यूटर्स, स्कैनर, बहुत सारा और भी जो अतिरिक्त सामग्री होता है। तो सबौर में यहाँ तो स्थिति फिर भी ठीक पाई गई। सबौर में जो सेंटर था उसमें स्थिति खराब थी, कैशबुक वगैरह का भी संधारण प्रॉपर नहीं किया था। तो सबौर के अंचल के जो सहायक हैं, नाजिर हैं, उनको हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया है, और सीओ जो सबौर हैं इस अवस्था के लिए उनसे भी स्पष्टीकरण पूछा है, और उनका जनवरी माह का जब तक ये सारी व्यवस्थाएं सुधार नहीं करते हैं उनका वेतन हम लोगों ने स्थगित किया है। नौगछिया में कमोबेश स्थिति ठीक ठाक है। कैशबुक का तो संधारण थोड़ा सा उसमें कमी है, तो उसमें हम लोगों ने सीओ और नाजिर दोनों से स्पष्टीकरण पूछा है, लेकिन कैशबुक में संधारित है तो इधर एक डेढ़ महीने का नहीं है, तो वो भी इन लोगों ने बोला है कि दो दिन में कर लेंगे। और अभी लेखागार में भी कमोबेश स्थिति ठीक पाई गई है, जो कमी है उसको सुधार करने के लिए कई तरह के सामान आए हैं सर, उसमें क्या सब पाया गया सर? नहीं, सामग्रियां हैं, चूँकि अभी ऑफिसेज बंद हैं, जो गृह विभाग का गाइडलाइन है, तो आवेदक कम आ रहे हैं, कुछ पेंडेंसी भी हुई है कोविड के कारण, तो उसमें भी हम लोगों ने DCLR को बोला है कि उसका एक सप्ताह में डिस्पोजल करा दें जो पेंडेंसी है। और जो यहाँ 7 अंचल कुल हैं, इसके अलावा 6 वहाँ भी सामग्री इस्माइलपुर को छोड़ करके अभी हम लोग दे रहे हैं, तो उसमें भी आधुनिक डेटा सेंटर, अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम जो बढ़िया हम लोगों को देना है विभाग के निर्देश में, तो वो हम लोग सारा कराएंगे। बहुत जल्दी सारे अंचलों में ETS मशीन भी मिल रही है, ताकि जो है मशीन से नापी हो सके ज़मीन की, तो वो भी टेंडर फाइनलाइज हो चुका है। तो जो नापी को लेकर के विवाद रहता है, अमीन पे आरोप लगता है, तो वो समस्याएं भी अभी 2 महीने में जो आप देखिएगा दूर हो जाएंगी। ऑपरेटर्स भी मिल रहे हैं, तो सारा प्रयास है कि अंचल में जो व्यवस्था है, जो भूरा जो ऑपरेटर आएंगे सर, 3-3 ऑपरेटर अभी आए हैं प्रत्येक अंचल में, तो वो आएगा तो बता देंगे सर। नक्शा और मोटेशन को लेकर हाँ, वो हम बोला है हम लोगों ने DCLR साहब को, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो पेंडेंसी है, उसको दूर करें। ब्लॉक में सर क्या सब देखा गया? ब्लॉक में भी वही कैशबुक का है। कैशबुक में चूँकि पंचायत चुनाव हुआ है, तो बहुत सारी राशि अभिश्रव में है, जबकि अलॉटमेंट अवेलेबल है। तो हम लोगों ने BDO को बोला है कि उन सारी राशियों को, चूँकि अब फरवरी मार्च का समय आ रहा है, जो भी निकासी करनी है अभी 1 सप्ताह 10 दिन में ही करनी है, उसको निकासी करके उसको एडजस्ट कर। ब्यूरो रिपोर्ट, मघी आवाज़।